वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। MySQL के अंदर और कमांड्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हम डेटाबेस कैसे बनाते थे, टेबल कैसे बनाते थे, उन पे रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना या डिलीट करना, वो सभी हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी जो चीज़ें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल्स के सारे कॉलम्स को अगर गिनना चाहते हैं कितने हैं या कितने रिकॉर्ड्स हमने डाले हैं वो काउंट करना चाहते हैं, तो हमें लगाना होगा काउंट स्टार कि सभी के सभी रिकॉर्ड्स हमारे स्टूडेंट टेबल से हमें वो काउंट करके दिखाए। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर दो इंसर्ट करे हैं। हमें टेबल के कॉलम को अगर शो कराना है तो शो कॉलम्स एंड फ्रॉम के बाद टेबल का नाम। ऐसा करने से हमें पूरा के पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें हमें बता रहा है कि हमारे पास सीरियल नंबर, नेम, सिटी एंड क्लास नाम के कॉलम्स हैं और उनकी क्या क्या यहाँ पर वैल्यूज़ हमने ली हैं, न्यूमेरिकल में है या वर्चुअल में है। हम चाहें तो इस कमांड को हम डिस्क्राइब के थ्रू भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब के बाद हमें टेबल का सिर्फ नाम देना है और वही चीज़ हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें सभी कॉलम डिस्प्ले ना होकर कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही डिस्प्ले हो तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सिलेक्ट के बाद उस कॉलम का नाम। सपोज़ मुझे सिर्फ नाम ही देखने हैं स्टूडेंट टेबल के, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ नेम ही शो करेंगे। अगर हम और भी कॉलम्स देखना चाहते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर कॉमे के बाद उन कॉलम्स का नाम लिखना है जो उन टेबल्स से हम देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें सिर्फ वही कॉलम दिखाई देंगे जो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर हम अपने कॉलम में प्राइमरी की को ऐड करना चाहते हैं, जैसे ऊपर हमने रिकॉर्ड्स डाला था तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमारे इंसर्ट हो गए थे। पिछली वीडियोस में हमने देखा था 111 सीरियल नंबर हमारे रिपीट हो रहे थे। तो अगर हम चाहते हैं कि कॉलम्स में जो नंबर है वो रिपीट ना हो, एक यूनिकली वहाँ पर डेटा डाला जाए, तो हम अपने टेबल में ऑल्ट्रेशन करेंगे और टेबल के अंदर हम ऐड कर देंगे प्राइमरी की, और वो प्राइमरी की हम टाइप कर देंगे सीरियल नंबर पर। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हैं। अगर मैं फिर से इसमें रिकॉर्ड डालता हूँ इंसर्ट इनटू हमारी टेबल के अंदर, और यहाँ पर नंबर पहले वैल्यूज़ लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर नंबर मैंने सेम रखा है क्योंकि रिकॉर्ड्स पहले से ही अवेलेबल है। उसके बाद मैंने सिटी डाला और यहाँ पर क्लास डाल दिया है 11। देन आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ चुकी है। एरर का नाम आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी, क्योंकि हमने अभी अभी कॉलम पर प्राइमरी की ऐड करी है। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम को यूनिकली वैल्यूज से डिफाइन करा सकते हैं प्राइमरी की अप्लाई करने के बाद। अगर हम पूरा टेबल को डिलीट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस से तो हमें लिखना होगा ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा पूरा टेबल डिलीट हो चुका है। अगर हम चेक करें कि हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं अभी, तो वो नहीं दिखाएगा क्योंकि इंडिया के अंदर से वो डेटाबेस हट चुका है। अब अगर हमें डेटाबेस भी हटाना है, जैसे हमने इंडिया नाम का डेटाबेस बनाया था, तो ड्रॉप डेटाबेस और यहाँ पर टाइप कर दिया है इंडिया। ऐसा करने से हमारा डेटाबेस भी हट चुका है। अगर हम शो टेबल्स करें तो कोई टेबल्स शो नहीं होगी क्योंकि डेटाबेस ही सिलेक्ट नहीं है, डेटाबेस डिलीट हो चुका है। और अगर शो डेटाबेस करें तो यहाँ से इंडिया नाम का डेटाबेस भी हट चुका है। तो ये कुछ कमांड्स थी MySQL से रिलेटेड। होपफुली आपको सभी कमांड्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन्हीं के यूज़ से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू इनकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और थोड़ा बेसिक नॉलेज अगर हमें होगा तो फिर हमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना, डिलीट कराना या मॉडिफाई कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।